ईश्वर हमें देखता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारे दुख पर ध्यान देता है। सबों को जय यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाइयों और बहनों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17 का सुसमाचार हमें नाइन में विधवा के पुत्र को जीवित करने का चमत्कार बताता है। यह घटना प्रभु येसु की करुणा, मृत्यु पर उनके अधिकार और पुनरुत्थान की आशा को गहराई से प्रकट करती है। इस अंश में हम देखते हैं कि प्रभु येसु एक विधवा से मिलते हैं जिसने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया था, जो उसके सहारे और सांत्वना का एकमात्र स्रोत था। उस समय के समाज में विधवा होना पहले से ही कठिन था और अपने इकलौते पुत्र को खोने का अर्थ था कि वह अब पूरी तरह से असहाय थी और उसके भविष्य में कोई सुरक्षा नहीं थी। इस घटना में सबसे पहले जो बात ध्यान आकर्षित करती है वह है प्रभु येसु की करुणा। इस पाठ में कहा गया है, जब प्रभु येसु ने उसे देखा तो उसे उस पर बड़ी दया आई। प्रभु येसु गहरे भाव से दुखी हुए, किसी ने उनसे मदद की मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने उसके दुख की गहराई को देखा और उसकी पीड़ा पर प्रतिक्रिया दी। यह याद दिलाता है कि ईश्वर हमें देखता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारे दुख पर ध्यान देता है। उनकी करुणा दूर की नहीं बल्कि व्यक्तिगत है, जैसे एक माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है। हमारे जीवन में जब हम दुख या निराशा से गिर जाते हैं तब कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमें नहीं देखता, लेकिन यह पाठ हमें आश्वस्त करता है कि प्रभु येसु हमारे अंधकारमय क्षणों में हमारे साथ हैं। हम जहां पर उम्मीद खो देते हैं वहां वे जीवन और नई आशा प्रदान करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है मृत्यु पर प्रभु येसु का अधिकार। जब प्रभु येसु ने अर्थी को छुआ और कहा, हे युवक, मैं तुझसे कहता हूं उठ जा, तो उन्होंने मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया। यह क्रिया प्रभु येसु के जीवन और मृत्यु पर प्रभुत्व को दर्शाती है। वहां उपस्थित लोगों के लिए यह उनके दिव्य अधिकार का प्रकटीकरण था। उन्होंने कहा, हमारे बीच एक महान नबी उठ खड़ा हुआ है और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। यह चमत्कार न केवल उस युवक को जीवन वापस देता है बल्कि विधवा को उसकी आशा, सम्मान और भविष्य भी लौटाता है। गहरे अर्थ में यह हमें पुनरुत्थान की ओर इंगित करता है, जो ईसाई विश्वास का केंद्र है। जैसे प्रभु येसु ने उस विधवा के पुत्र को जीवन दिया, वैसे ही वह हमें भी जीवन देंगे। मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। मसीह हमें अनंत जीवन का वादा करते हैं, जो उन सभी के लिए बहुत सांत्वना की बात है जिन्होंने अपने किसी प्रिय जन को खो दिया है। अंत में यह अंश कलीसिया के मिशन की भी बात करता है। जैसे प्रभु येसु करुणा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, वैसे ही हमें भी उनके प्रेम और दया के वाहक बनने के लिए बुलाया जाता है। हमें शोक करने वालों को सांत्वना देने, जहां निराशा है वहां आशा लाने और कमजोर लोगों का साथ देने के लिए आमंत्रित किया गया है। हमारा मिशन भी मसीह के समान है, जहां मृत्यु है वहां जीवन लाने का और उनके चंगाई वाले उपस्थित की सेवा में लगने का। इसलिए यह कहानी करुणा, पुनरुत्थान और मिशन की है। प्रभु येसु हमें दिखाते हैं कि वे हमारे दुख से अनजान नहीं हैं, कि उनका मृत्यु पर अधिकार है और हमें उनके जीवनदायक मिशन में सहभागी बनने के लिए बुलाया गया है। जब हम इस अंश पर मनन करते हैं तो हमें ईश्वर की असीम दया की याद आए और हम उस दया को
अपने चारों ओर के लोगों के साथ बांटने के लिए प्रेरित हों। आमेन।